तो हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाटर क्राइसिस इन इंडिया। इसका आउटलाइन है, व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू वाटर। सेंट्रल वाटर कमीशन का लेटेस्ट स्टडी आया है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इंडिया के रिजर्वर में वाटर कितना है अभी, एंड दैट वाटर इज मोर देन व्हाट वाज द लेवल ऑफ वाटर लास्ट ईयर। सेकेंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया। तो इसके लिए नीति आयोग का लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो वहां से कुछ डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ वाटर इन इंडिया, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, व्हाट नीड टू बी डन टू एवर्ट वाटर क्राइसिस, कैसे उसको, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटी। सो कैसे वाटर के क्राइसिस को हम एवर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं और कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द फैक्ट रिलेटेड टू वाटर। सेंट्रल वाटर कमीशन, उसने कहा कि एज ऑफ जून 25th इंडिया के रिजर्वर में 56.72 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है, डेट इज 33% ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ डैम। जो रिजर्वर का टोटल कैपेसिटी है उसका 33% है। और मॉनसून अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इस बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन भी है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस नॉर्मल मॉनसून, और डेट इज गुड न्यूज बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक हमें लॉस हुआ है। अगर इस बार मॉनसून अगर ठीक नहीं होता तो एग्रीकल्चर में भी लॉस होता एंड डबल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो दिस इज गुड न्यूज। करंट जो स्टॉक है हमारे पास, इट इज ट्वाइस द स्टॉक विच वी वेयर हैविंग इन जून 2019। 104 रिजर्वर इन इंडिया, रिजर्वर जहां पे वाटर को स्टोर करते हैं, इट हैज मोर देन जितना इसका नॉर्मल कैपेसिटी है उसका 80% कैपेसिटी यहाँ पे है। And almost all the river basin, all the major river basin of India, that is Ganga River, Indus River, Narmada, Tapi, Mahi, Sabarmati, Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi, उन सब में normal से ज़्यादा water stock है। Basin का मतलब क्या होता है? ये river का stream है, river move कर रहा है, यहाँ पे कोई stream आके merge हो जाता है, तो that is known as tributaries। रिवर का स्ट्रीम मूव कर रहा है एंड देन उसके वाटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सो दिस आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो रिवर जितने एरिया में मूव करता है प्लस इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, उन सबको हम रिजर्वर कहते हैं। सो रिजर्वर यू कैन से डेट इज अ स्टोरेज, पूरा जो रिवर का वाटर का स्टोरेज होता है डेट इज नोन एज रिजर्वर। और स्टोरेज सर्फेस पे भी होता है और अंडरग्राउंड भी होता है। Now water crisis in India, इसका data. So first 80 million Indian ये extreme water stress face कर रहे हैं। अब extreme water stress क्या होता है? Either they don't have access to water, either they have access to less water. Say I have requirement of 1 liter, but daily I am getting 200 ml. Or the water which is accessible to them is not affordable or is of poor quality. वो polluted water है। 2 lakh people in India die every year due to inadequate access of water. Third, estimated per capita water availability in 2025, that will be 1340 feet cube, और ये further decrease हो जाएगा in 2050, ये 1140 feet cube decrease हो जाएगा. So per capita availability means what is the total water available in India divided by total population of India, so ये decrease हो जाएगा. 70% of water aquifer polluted है. Aquifer is a region where ground water store करते हैं वहाँ पे, तो ground water का 70% storage that is polluted. By 2030, India water demand will be twice the available supply. जितना water का supply है उसे twice demand होगा, implying severe water scarcity for hundreds of millions of people and eventually 6% loss in country GDP. Now, water crisis और GDP के बीच में क्या relation है? Suppose करो मेरे घर के अंदर tap है और उसके अंदर water नहीं आ रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट पॉन्ड में जाना पड़ेगा वाटर को फिल करने के लिए। मैं वहां पे जाऊंगा पॉन्ड से वाटर फिल करके और वापस अपने घर में लेके आऊंगा। इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसमें मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, से डेली मेरा 4 आवर वेस्ट हो जाता है अपने
अपने वाटर के बजट को फिल करने के लिए। अगर ये मेरा 4 आवर वेस्ट नहीं हुआ होता तो इस 4 आवर को मैं किसी और प्रोडक्टिव वर्क में इंगेज रखता और वहां से मैं कुछ अर्न कर सकता था या फिर मैं कुछ लर्न कर सकता था। सो बाई 2030 वॉट एवर इज अवर वाटर सप्लाई ट्वाइस विल बी डिमांड ड्यू टू विच देर विल बी सीवियर वाटर क्राइसिस एंड विच विल कॉज लॉस टू 6% ऑफ इंडिया GDP। Sixth, 70% of water in India is contaminated. Water quality index worldwide release होता है और उसमें out of 122 country, India rank is 120th. Last से third हमारा rank है in water quality and 70% of India का water contaminated है. जब मैं छोटा था अराउंड 5 to 6 years मुझे याद है कि जब हम अपने गांव में जाते थे सो नियर माय विलेज 1 kilometer फ्रॉम माय विलेज वहां से गंडक रिवर फ्लो करता था। गंडक गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरीज है तो वहां से विलेज के लोग क्या करते थे दे यूज वाटर को यूज करते थे इवन वो वाटर को डायरेक्टली भी ड्रिंक कर लेते थे कंज्यूम कर लेते थे। डेट वॉज लॉन्ग बैक आई कैन से इन 1998-1999 तो वहां पे वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते थे। बट राइट नाउ आप शायद ही कोई रिवर होगा जहां से वाटर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट डायरेक्ट कंजम्पशन इवन इफ यू आर बाथिंग इन दैट वाटर बॉडी देन ऑल्सो वाटर बॉर्न डिसीज होने के चांसेस है। सो दिस इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन वाटर बॉडी। 40% ऑफ पॉपुलेशन विल हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030 एंड 21 सिटी इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली बेंगलुरु हैदराबाद दे विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2020 अफेक्टिंग 100 मिलियन पॉपुलेशन। अभी भी हम मेट्रो सिटीज में वाटर के स्कर्सिटी हम फेस करते हैं। लेस देन 20% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड हैव एक्सेस टू पाइप ड्रिंकिंग वाटर। रीजन रूरल एरिया में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटर के पाइपलाइंस कम है वहां पे पावर का फ्लक्चुएशन होता है तो इलेक्ट्रिकल मोटर हम यूज नहीं कर सकते हैं वाटर को रेज करने के लिए फ्रॉम ग्राउंड वाटर से ओवरहेड टैंक पे और पाइप के अंदर लीक होता है जिसके वजह से वाटर का वेस्टेज होता है। सो दिस इज सम डेटा रिलेटेड टू वाटर क्राइसिस इन इंडिया। नाउ प्रेजेंट स्टेट ऑफ वाटर प्रेजेंट क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। बाय 2050 वर्ल्ड पॉपुलेशन 9 billion हो जाएगा ड्यू टू विच देर विल बी इंक्रीज इन वाटर डिमांड बट वाटर रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहा है तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। वाटर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है बट वाटर का सप्लाई कम हो रहा है। वाटर का डिमांड कैसे इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंक्रीज हो रहा है से राइट नाउ वी आर समवेयर अराउंड 7.3-7.4 billion पॉपुलेशन बाय 2050 वी विल बी 9 billion पॉपुलेशन। सो वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है प्लस पर कैपिटा डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। नाउ सप्लाई से ये एक पॉन्ड है तो यहाँ पे देखना कि पॉन्ड का धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल इंक्रोचमेंट हो रहा है। से अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं इन अहमदाबाद वस्त्रापुर लेक है वहां पे और उस लेक में आप देखोगे तो सिर्फ पानी को छोड़ के बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। वहां पे जॉगिंग का ट्रैक है वहां पे एम्यूजमेंट पार्क है वहां पे खाने पीने का स्टॉल है बट डेट लेक डजंट हैव वाटर। और अभी जो वस्त्रापुर लेक है डेट लेक इज नॉट इवन 1/3 जो पहले एग्जिस्ट करता था उसका हॉरिजोंटल इंक्रोचमेंट हो गया। देन उसका वर्टिकल इंक्रोचमेंट होता है ये उसका पूरा का पूरा डेप्थ है। वाटर यहाँ पे आएगा अपने साथ सिल्ट को लेके आएगा सैंड को लेके आएगा क्ले को लेके आएगा और वो यहाँ पे डिपॉजिट करता है। तो अर्लियर दिस वाज द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी एंड नाउ द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी वो डिक्रीज हो गया है। सो वर्टिकल इंक्रोचमेंट भी होता है हॉरिजॉन्टल इंक्रोचमेंट भी होता है प्लस पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। से मुंबई के अंदर मीठी रिवर है उस रिवर को हमने एक ड्रेनेज लाइन की तरह गटर के लाइन की तरह ट्रीट करते हैं। हम उसको जितना भी मुंबई का वेस्ट है हम उस रिवर के अंदर थ्रो करते हैं और वो सारा रिवेंसी के अंदर लेके जाता है। सो आवर सप्लाई इज डिक्रीजिंग वेदर ओवरहेड वाटर है रिवर है लेक है पॉन्ड है और यू कैन से अंडरग्राउंड वाटर एंड वो पोल्यूशन भी हो रहा है। कहीं कहीं पे तो वाटर ऐसा है वो अनयूजेबल वाटर हो गया है। सो बाय 2050 वर्ल्ड water demand will increase but supply will be limited and supply will reduce. ये क्यों हो रहा है? Because of increasing population,
बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. नाउ हाउ अर्बन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरिया. अर्बन एरिया के अंदर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, से अभी बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो भी ग्राउंड उसको सोक नहीं कर पाएगा. लेकिन रूरल एरिया में कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है, ग्राउंड ओपन है, तो मड वाटर को सोक कर लेता है, और मड जब वाटर को सोक करता है तो ग्राउंड वाटर लेवल हाई हो जाएगा. अर्बन एरिया में एक और हमारा फुलिशनेस, आप देखो से बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रोड हमने बनाया है और रोड के नीचे गटर का लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, तो हम इसको ओपन कर देंगे सो डैट यहाँ पे वाटर लॉगिंग ना हो. तो गटर के लाइन को हमने ओपन किया तो रेनफॉल वाला जो वाटर है वो गटर के अंदर जाएगा, पूरे सिटी के गटर से पास होगा, और से सिटी में अगर कोई रिवर फ्लो हो रहा है तो रिवर के अंदर एंटर होगा. अहमदाबाद के केस में मैं कहूँ तो साबरमती रिवर, दिल्ली के केस में कहूँ तो यमुना रिवर. अब सबसे पहले ये वाटर अनपोल्यूटेड था, इसको हमने गटर के अंदर एंटर होने दिया, पोल्यूटेड कर दिया. उसके बाद रिवर में जब ये गटर ओपन होगा तो यहाँ पे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे इसको फिल्टर करने के लिए. तो सी द फुलिशनेस ऑफ आर्स, पहले हमने अनपोल्यूटेड वाटर को पोल्यूट किया और फिर उसी वाटर को हम अनपोल्यूट करने के लिए, पोल्यूशन फ्री करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं. तो अर्बनाइजेशन एनवायरमेंट के ऊपर हैवी टोल ले रहा है, वहां पे ओपन एरिया नहीं है. अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट जो अर्बन प्लानिंग में इंगेज है, वो कहते हैं अर्बन एरिया का एटलीस्ट 50% एरिया नॉन कॉन्क्रीटाइज होना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल रोड को आपको कंप्लीट कॉन्क्रीटाइज करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होता है. बट अगर फुटपाथ को देखो तो आप ऐसे कर सकते हो, एक टाइल्स आपने यहाँ पे रखा, फिर थोड़ा ओपन स्पेस रखा, देन दूसरा टाइल्स रखा, और ऐसे करके बहुत सारे ओपन स्पेस आप छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हो. और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं डेट विल हेल्प वाटर का ड्रेनेज अंडरग्राउंड में हेल्प करेगा. दूसरा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो वेस्ट डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री वाटर का कंजम्पशन करता है और इंडस्ट्री का लोकेशन भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा रीजन, वहां पर रेनफॉल कम होता है बिकॉज वो वेस्टर्न घाट के रेन शेडो रीजन में आता है. मराठवाड़ा रीजन में शुगर केन का कल्टिवेशन होता है, शुगर केन विच इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. सो यू नो इन दिस रीजन वाटर का स्कर्सिटी है, बट देन ऑल्सो यहाँ पे शुगर केन का क्रॉपिंग होता है. वाई नॉट वी कैन एडवाइज फार्मर की आप दूसरे क्रॉप ग्रो करो. यहाँ पे शुगर मिल लोकेटेड है, प्लस यहाँ पे डिफरेंट अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है. सो जिस जगह पे वाटर का स्कैर्सिटी है वहां पे हम ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं जो वाटर ज्यादा कंज्यूम करता है. सो दिस इज अवर पुअर इंडस्ट्रियल प्लानिंग, हैपजार्ड इंडस्ट्रियल प्लानिंग. इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट, फ्लड कभी अकर होता है, कभी ड्राउट अकर होता है. लाइक इफ देर इज लेस रेनफॉल वी विल फेस ड्राउट ड्राई कंडीशन, इफ देर इज मोर रेनफॉल वी विल फेस फ्लड लाइक कंडीशन, विच मीन्स और ये फ्लड एंड ड्राउट का साइकिल एवरी ईयर हम रिपीट करते रहते हैं. तो ये तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, जब रेनी सीजन में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो क्यों नहीं हम उस वाटर को स्टोर करते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर है, और ड्राई सीजन में हम उसको यूज कर पाएंगे. बट समहाउ हम अपना दिमाग इतना नहीं लगा पाते हैं, रेनी सीजन में हम वाटर को वेस्ट करते हैं और जब ड्राई सीजन होता है तो उसी वाटर की वजह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वाटर के स्कर्सिटी की वजह से. इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्यों हो रहा है, अगेन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बिकॉज मोर फ्यूल को हम यूज कर रहे हैं, उसे ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, और जिसके वजह से रेनफॉल का फ्रिक्वेंसी, रेनफॉल का इंटेंसिटी दोनों चेंज हो रहा है. वाटर बॉडी श्रिंक हो रहा है, डेट इज अ हॉरिजॉन्टल इंक्रोचमेंट, और उसका सिल्टेशन हो रहा है, डेट इज वर्टिकल इंक्रोचमेंट. ग्राउंड वाटर लेवल वो नीचे, वर्टिकल इंक्रोचमेंट सर, वर्टिकल इंक्रोचमेंट समझाओ. वर्टिकल इंक्रोचमेंट सिल्टेशन, जैसे ये वाला डायग्राम बताया था, देखो ये वाला, यहाँ पे वाटर जब जाएगा तो वो सिल्ट को ऐड करता है यहाँ पे, और जब सिल्ट ऐड करेगा तो ओवरऑल वाटर का डेप्थ डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आया? देखो ये पूरा डेप्थ मो सर, हाँ इरोजन के कारण सर, हाँ इरोजन डिपोजिशन की वजह से. ये पूरा देखो यहाँ पे जैसे ए मैंने लिखा है तो ये वाटर का एक्चुअल डेप्थ है, अब यहाँ पे सिल्टेशन हुआ तो ये उसका डेप्थ हो गया रिड्यूस, तो अब तो कम वाटर स्टोर करेगा ना. हाँ सर,
और सर ये इंडस्ट्री में क्या बताया था सर आपने? इंडस्ट्री में जैसे कि अब महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के अंदर जहाँ पे वाटर का स्ट्रेस है, वहां पे रेनफॉल तो कम होता है क्योंकि वेस्टर्न घाट का रेन शेडो रीजन है, तो वहां पे शुगर केन का प्लांटेशन करते हैं, शुगर मिल है वहां पे अल्कोहल की इंडस्ट्री है, तो ये तीनों तो ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करती है, तो वाटर स्कैर्सिटी जहाँ पे है वहां पे वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्यों आप लगा रहे हो, उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करो, तो ये पुअर प्लानिंग शो करता है। या फिर आप थर्मल पावर प्लांट को देखो, जैसे ये अहमदाबाद के आरटीओ में टोरेंट का थर्मल पावर प्लांट है, तो वो सारा अपना वेस्ट डिस्चार्ज करता है साबरमती में, और वहां पे रिवर पूरा पोल्यूटेड है, तो इंडस्ट्री वाटर को यूज भी करता है, पोल्यूट भी करता है, और इंडस्ट्री का पुअर प्लानिंग है तो वहां पे वाटर का स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। ओके, यस सर, थैंक यू। देन वाटर का, वाटर क्वालिटी का डिटोरिएशन अकर होता है, वाटर का पोल्यूशन अकर होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जैसे अभी रशिया में ऑयल स्पिल हुआ था, तो जिसके वजह से पूरा का पूरा ऑयल वाटर बॉडी पे स्प्रेड हो गया, वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ होगा उसको नेगेटिवली हैम्पर करेगा। वाटर की वजह से स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में टेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, सो डेट विल बी बिकॉज ऑफ अ वाटर रिलेटेड इशू। आप कंट्रीज के बीच में देखो, इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट है, इंडिया नेपाल काली रिवर को, इंडिया चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर को, और इंडिया के अंदर स्टेट्स को भी आप देखो, से कर्नाटका एंड तमिलनाडु कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, हरियाणा एंड पंजाब सेटलज रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, गुजरात एंड मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। सो अक्रॉस द स्टेट भी वाटर का डिस्प्यूट है, अक्रॉस द कंट्री भी वाटर का डिस्प्यूट है, और वाटर एक ऐसा कमोडिटी है विच यू आर यूजिंग इन योर डेली एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर हमें कहाँ पे यूजफुल है, और क्यों वाटर स्ट्रेस अकर हो रहा है, तो डेट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। फर्स्ट, हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है। आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे घर में पानी नहीं आता है तो हमें किसी कॉमन टैप पे या कॉमन पॉन्ड पे वाटर लेने जाना होगा, और वहां पे काफी ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है, वहां पे सोशल टेंशन भी अकर होता है। ये जैसे किसी एरिया का फोटो है, तो यहाँ पे टैप में वाटर आएगा तो पहले इन लोगों ने लाइन में लगा के रखा है, तो डेली इनका 2 आवर 3 आवर इनका वेस्ट हो जाता है इस वाटर को फिल करने के लिए। और इसमें आप देखोगे तो सारी की सारी फीमेल ही है, तो घर के वाटर बजट को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फीमेल के ऊपर होता है, तो ऐसे रिजल्ट फीमेल का हेल्थ भी अफेक्ट होता है, फीमेल के ऊपर साइकोलॉजिकल बर्डन भी आता है, वहां पे से वाटर को लेके कन्फ्लिक्ट होगा, उसकी वजह से भी उनके रिलेशन खराब होते हैं, तो ये हमारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट करेगा, और इसकी वजह से हमारा बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है। देन हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, अगर प्रॉपर वाटर आपको नहीं मिलता है या पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है तो उससे वाटर बॉर्न डिसीज हो सकता है, या वाटर आपको कम मिल रहा है तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पॉवर्टी में रिजल्ट करेगा, से आपके फार्म को वाटर नहीं मिल रहा है तो आप प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर वे में अगर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं तो फार्म का जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को नहीं रियलाइज कर पाएंगे। से फार्म का कैपेसिटी है इन 1 एकर 100 kg राइस, बट से आप ग्रो कर पा रहे हैं ओनली 40 kg राइस, देन उस केस में फार्म अगर प्रोडक्टिव ही नहीं होगा तो इट विल नॉट हेल्प यू इकोनॉमिकली। देन सोशल इक्विटी है, those who have access to water they will be rich or they will do economically well, whether domestic use ke liye water hai, agriculture use ke liye water hai, industry ke liye water hai, but jiske paas water nahi hai they will face problem, especially people who are from lower social economic status। then gender equality ko affect karega because water ko fill karne ka ultimate responsibility female ke upar hota hai। even कितनी बार आप देखोगे केसेस ऐसे होते हैं कि फीमेल जब वाटर को फिल करने के लिए नियर पॉन्ड पे जाते हैं या लेक पे जाते हैं, उनके साथ मोलेस्टेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, या उनका हेल्थ खराब हो जाता है, कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो जाता है, तो ये एक जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। देन इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट है, अगर वाटर नहीं रहेगा, जैसे हमने अपने घर के जो लॉबी है तो
तो वहां पे हमने कुछ ऐसे यू कैन से बीकर जैसा रखा है या कुछ ऐसे वेसल रखा है जिसमें हम पानी भर के पॉट कह सकते हैं, तो उसके अंदर पानी भर के हम रख देते हैं, फिर आजू बाजू से पीजन है या दूसरे बर्ड्स आके उस वाटर को कंज्यूम करते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि वो लोग इतने फ्रेंडली हो गए हैं कि पहले हम जाते थे तो हमें देख के वो भाग जाते थे, और अब इतने फ्रेंडली हो गए कि हम जाते हैं हमारे सामने रहते हैं और वो निकलते भी नहीं है। तो सी, अगर ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा या फिर सरफेस वाटर कम हो जाएगा तो ह्यूमन बींग को तो अफेक्ट करेगा, वट अबाउट अदर एनिमल्स, वट अबाउट अदर बर्ड्स? से कहीं पे अगर लेक ही नहीं है, कहीं पे पॉन्ड ही नहीं है, तो फ्रॉम वेयर दे विल ड्रिंक वाटर? से हमारे पास तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, हम ग्राउंड में से वाटर को पुल करके ओवर ए टैंक में लेके जाएंगे और हमारे टैप में वाटर आ जाएगा, बट वट अबाउट देम? सो दे विल फेस प्रॉब्लम। वाटर क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, वाटर क्राइसिस को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना चाहिए। जो हमारे पास रिजर्व है उसको हम पोल्यूटेड ना होने दें, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका इंक्रोचमेंट ना होने दें। सेकेंड, अपने डिमांड को लिमिट करें। से हमारा, हम 1 लीटर वाटर को डेली यूज करते हैं, तो वी शुड थिंक कि हम कम से कम वाटर को कैसे यूज कर पाएंगे, कि जब हम टैप को यूज नहीं करते हैं तो हम उसको बंद रखें, वाटर के ओवरफ्लो को हम रोकें, अपने वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। हम अपने बाथरूम में हम शावर को यूज ना करें, तो हम वाटर को इस वे में यूज करें तो कम से कम उसका यूटिलाइजेशन हो और वो कंजर्व हो पाए। थर्ड, अपने वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए। इंडिया की अगर वाटर यूज एफिशिएंसी को देखें, से एक फार्म में अगर हम 100 लीटर वाटर रिलीज करते हैं तो इसमें से जस्ट 38% विच इज 38 लीटर फार्म में यूज होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। सो वाटर यूज एफिशिएंसी इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट है। आप जर्मनी, इजराइल कंट्री का देखो तो दैट इज अराउंड 90-92%। सो वी शुड वर्क टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी। ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करें। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा? कि कम से कम नॉन कॉन्क्रीटाइज एरिया हो, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो। से अगर हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो प्लांट का रूट सिस्टम है, ये सोइल में पेनिट्रेट करता है और ये चैनल की तरह एक्ट करता है वाटर को सोइल में ऐड करने के, सोइल में ऐड करता है। वैसे ही अगर हम नॉन कॉन्क्रीट सर्फेस यूज करेंगे तो मड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमें करना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें लगाना चाहिए कि जो पोल्यूटेड वाटर है उसको हम नॉन पोल्यूटेड करें। इवन हम सेलाइन ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया पेनिनसुला है, 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, तो हमारे पास इतना सी वाटर का एक्सेस है, तो क्यों नहीं हम उसमें से सॉल्ट रिमूव करके उसको डीसेलिनाइज करें और उस वाटर को एग्रीकल्चर के लिए यूज करें, डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करें, इंडस्ट्री के लिए यूज करें। नो डाउट ये जो पूरा कंसेप्ट है वो एक्सपेंसिव कंसेप्ट है, बट टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रहा है तो हम इसका लो कॉस्ट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जब इजराइल ऐसा कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर सकता है, तो वाई कांट वी डू? रिसाइकल कर सकते हैं वाटर को, लाइक किचन का जो वेस्ट वाटर है उसको हमने गार्डन में यूज किया, बाथरूम का जो वेस्ट वाटर है उसको हमने गार्डन में यूज किया। सो इस तरीके से वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, मल्टीपल यूज के लिए सेम वाटर को यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं वाटर को। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर क्राइसिस। सो प्रेजेंट स्टेट ऑफ वाटर क्या है, डेटा के साथ हमने समझा वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड हाउ वी कैन अवॉइड वाटर क्राइसिस। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, देन वी विल मूव टू अनदर टॉपिक। सर, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एफिशिएंसी और डिमांड कैसे लिमिट कर सकते हैं? देखो, एफिशिएंसी ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, से ये पाइप है और ये फार्म है, यहाँ पे कोई रिवर से मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ और फार्म में लेके जाता हूँ, बट पाइप के अंदर लीकेज है। लोग क्या करते हैं, यहाँ से वाटर का थेफ्ट करते हैं, या ये जो पाइप है वो ओवरहेड है। आपने इरिगेशन का कैनाल देखा होगा, ओवरहेड कैनाल होगा, तो उसपे सनलाइट फॉल होगा तो वाटर का इवोपरेशन होता है। तो रिवर से 100 लीटर वाटर हमने रिलीज किया और लीकेज, थेफ्ट, वाटर इवोपरेशन के बाद जो बचा वाटर पहुंचता है वो 38% ही पहुंचता है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि गुजरात में जगह जगह पे एक यूनिक इन्होंने कंसेप्ट लगाया है कि जो ओवरहेड कैनाल होता है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाएंगे और डायरेक्ट सनलाइट वाटर पे फॉल भी नहीं होगा। तो जब डायरेक्ट सनलाइट फॉल नहीं होगा तो उसका इवोपरेशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम पाइप को अंडरग्राउंड कर सकते हैं, तो जिसके वजह से थेफ्ट भी नहीं होगा। लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर पाइप थ्रो कर देते हैं और उसके बाद मोटर लगा देते हैं और मोटर से फिर वाटर लेके अपने फार्म में लगा देते हैं। तो हमें लीकेज रोकना है, थेफ्ट रोकना है, प्लस इसके अंदर लोग वेस्ट भी थ्रो करते हैं, तो वेस्ट की वजह से ये गंदा भी हो जाता है, पोल्यूटेड भी हो जाता है। से हमारे घर में कोई पूजा हुआ, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम थ्रो करते हैं। से कोई किसी का डेथ हुआ उसको थ्रो करते हैं, या घर का वेस्ट है उसमें थ्रो करते हैं। तो हम ये पूरे कैनाल को, वाटर के स्ट्रीम को जस्ट एक गार्बेज बॉक्स की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो इस वे में हम अपने वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा, आपने कहा कि अपने डिमांड को हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, जैसे से बाथरूम है तो उसके अंदर हम शावर यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले हम बकेट में वाटर को फिल करें एंड देन हम यूटिलाइज करें। तो शावर में कितना वाटर यूज होता है हमें नहीं पता, अनलिमिटेड वाटर फ्लो करते रहता है, लेकिन अगर बकेट में है 2-3 बकेट हम भर के रखें और फिर हम यूज करें तो हमें एक सेंस मिला, आइडिया मिलेगा क्योंकि इतना वाटर हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप ये कर सकते हो जैसे आपके किचन में जो वेस्ट वाटर है तो उस वेस्ट वाटर को आप अपने गार्डन में थ्रो कर दो। तो इस तरीके से कुछ आप अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने डिमांड को लिमिट करने के लिए। ओके सर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो भी हम कर सकते हैं ना? हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ग्राउंड वहां पे नॉन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जैसे अगर हम सपोज हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पूरे बिल्डिंग का कैंपस है और यहाँ पे हमने हाउसेस डिजाइन कर दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये पूरे एरिया को कॉन्क्रीट कर देते हैं, तो यहाँ पे जितना भी रेनफॉल होगा सारा का सारा वाटर तो ड्रेन होके आगे चला गया। या फिर हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन, बिल्डिंग के नीचे जो पार्किंग वाला एरिया होता है अंडरग्राउंड में, उससे नीचे, हाँ, उस वहां पे एक पिट बना देते हैं। ये पिट में वाटर स्टोर हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जस्ट बाजू में ही यहाँ पे टॉयलेट का, बाथरूम का वाटर और कंटेंट स्टोर होता है। हाँ, तो इसमें चांसेस ये है कि अगर थोड़ा भी यहाँ पे लीकेज हुआ तो इस पूरा का पूरा वाटर पोल्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्डिंग के ऐसे काफी एरिया को फ्री रखना चाहिए। अगर पूरा फ्री नहीं हो पाए तो आप एक टाइल्स लगा दो, देन दूसरे टाइल्स के बीच में गैप रखो, तो थोड़ा थोड़ा भी गैप रहेगा तो वाटर ड्रेन होगा। बट कंप्लीट कॉन्क्रीटाइज करना वो ठीक नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए कि बिल्डिंग के ऐसे पेरीफेरी पे, बाउंड्री के पेरीफेरी पे ऐसे बहुत सारे ट्रीज लगा देने चाहिए। तो उसके 2-3 फायदे होंगे। पहला तो फायदा ये होगा कि से बिल्डिंग के बाहर एक रोड है तो वहां पे नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये ट्री ऐसे नॉइज फिल्टर की तरह वर्क करेगा, कम नॉइज अंदर आएगा। नंबर 2, विंड की वजह से अगर डस्ट वगैरह आ रहा है तो ये उसको भी ब्लॉक करेगा। और थर्ड,